मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाइयत का उदय और इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मध्यकाल की पूरी राजनीति और अप टू 18 सेंचुरी तक धर्म का प्रभाव निरंतर बना रहा, और यूं कहें कि आज भी धर्म का प्रभाव हमें पश्चिम के जगत में, पूरब के जगत में, दोनों जगह पर दिखाई देता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लेंगे, इसके प्रचार प्रसार की बात करेंगे, जीसस के बारे में बात करेंगे, और इसका जो हमारा आज का स्ट्रक्चर होगा कि किस तरह से हम पूरे इस टॉपिक को लेंगे, वो टॉपिक यानी ईसाइयत, ईसाई धर्म, ये ईसाई धर्म को हम किस रूप में ले रहे हैं। हम सबसे पहले इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे कि कहां इसका उदय होता है, कैसे इसका उदय होता है। तो अरब क्षेत्र में इसका उदय होता है, यहां से हम बात को शुरू करेंगे। उसके बाद जब जीसस का उत्कर्ष हुआ, उस समय वहां का माहौल कैसा था, क्या जीसस की बायोग्राफी थी, यहूदियों की स्थिति क्या थी, रोमन साम्राज्य की स्थिति क्या थी, और क्या इसके अन्य पक्ष थे। थर्ड बात आती है कि आफ्टर जीसस यानी ईसा के उपरांत जो उनके 12 अनुयायी थे, जिनको अपोस्टल्स कहा गया है, उन्होंने किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया, किस प्रकार से इनके संदेश को आगे बढ़ाया। और एक बात और कि यहां से ईसाइयों की प्रताड़ना शुरू होती है, जो प्रताड़ना लगभग 300 साल से अधिक तक चलती रही। आज जिस धर्म को हम दुनिया का एक बहुत बड़े विशाल धर्म के रूप में देख रहे हैं, उसके प्रारंभिक 300 साल बड़े कठिन गुजरे, प्रताड़ना के गुजरे, तो हम इस पक्ष को लेंगे। उसके उपरांत यहाँ पे जब प्रताड़ना इतनी अधिक हो गई तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, स्वीकृत, और इसे बाद में राजधर्म घोषित कर दिया। जब रोमन्स ने इसे राजधर्म घोषित कर दिया तो इसका प्रचार प्रसार चौथी शताब्दी के बाद, 4th AD के बाद, और भी अधिक तेजी से हुआ। और ये प्रचार प्रसार इसके अंतर्गत इसके जो त्योहार थे, बाइबल थी, बाइबल अपने आप में एक महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बाइबल के बारे में। और 11वीं शताब्दी तक आते आते हम देखते हैं कि ये धर्म दो भागों में टूट जाता है, जिसको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं रोम में, और पूरब में कॉन्स्टेंटिनोपल में हम इसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं। और यही बात बाद में 16वीं शताब्दी में आकर के 15वीं-16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलनों के रूप में हुई, रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन। तो इस प्रकार से हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरे चैप्टर का। और इस पूरे चैप्टर में हम इससे जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, इन दोनों पक्षों को हम लोग इन पर बात करेंगे वन बाय वन। हम सबसे पहले देखें कि कहां उदय हुआ इस धर्म का। एक बात यह आती है कि जब हम ये दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो इस दुनिया के नक्शे में जो धर्म के हिसाब से, धर्म के ओरिजिन के हिसाब से और धर्म के विकास के हिसाब से, राइज एंड ग्रोथ के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया आता है, तो वो ये वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया, यानी कि मध्य पूर्व। मध्य पूर्व का वो क्षेत्र जो कि अरब क्षेत्र कहलाता है, और इस अरब क्षेत्र में यानी फिलिस्तीन और अरब का क्षेत्र जो है, इस अरब क्षेत्र में विश्व के इतिहास में उन तीन धर्मों का उत्कर्ष हुआ जो कि अपने आप में पूरी दुनिया के धार्मिक इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। पहले धर्म को हम यहूदी धर्म कहते हैं, दूसरे को हम ईसाइयत कहते हैं, और तीसरे को हम इस्लाम कहते हैं। तो इन तीनों धर्मों का जिस तरह से विकास होता हुआ, क्रमगत रूप से विकास होता हुआ दिखाई देता है, वो हम एक विस्तृत रूप से उसको समझते हैं। एक बात यहां पर और आती है, वो ये कि
क्योंकि ये फिलिस्तीन का एरिया एक भौगोलिक हिसाब से डेजर्ट एरिया है, यानी रेगिस्तानी या मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति यहां पर है, और इसमें जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस रूप में है कि आपको डेजर्ट के साथ सामना करना है। सांस्कृतिक आपका जो पक्ष है वो उस रूप में लेना है जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, ये वाला क्षेत्र, ये जो आप यरूशलेम वाला एरिया देखते हैं, नाम लेंगे हम यरूशलेम, यहां पर तीन धर्मों का उदय होता हुआ दिखाई देता है, यानी यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम। विश्व के नक्शे पर जब हम इसको देखते हैं तो ये एरिया आता है ऐसे। इस कारण से जो इसका प्रचार प्रसार होगा, यानी इन तीनों धर्मों का जो प्रचार प्रसार होगा, वो डिफ्यूजन थ्योरी के अनुसार सबसे पहले अपने आसपास के एरियाज में होगा। आसपास के एरियाज में ऐसा नहीं है कि जब सीधे यहां पहुंच जाएगा, ये संभव नहीं है। डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब यही होता है। इस तरह से ये हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब एक बात और आती है, ये क्योंकि डेजर्ट एरिया था और यहां की जो पुरानी सभ्यता थी उसको हमने सेमेटिक सभ्यता भी कहा है, सेमेटिक सिविलाइजेशन और संस्कृति। सेमेटिक एक भाषाई और सांस्कृतिक ग्रुप का नाम है, जैसे हम भारत के संदर्भ में कहते हैं इंडो यूरोपियन कल्चर, इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार, उस तरह से यहां पर भी सेमेटिक एक भाषाई परिवार एवं संस्कृति का नाम है, और इसी भाषाई संस्कृति परिवार से बाद में यहूदियों की संस्कृति का उत्कर्ष होता है। और इसके अंतर्गत हमारे पास बड़ी संख्या में नबी दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जब हम सबसे पहले सेमेटिक की बात कर रहे हैं, सेमेटिक संस्कृति, इसी सेमेटिक संस्कृति के पृष्ठभूमि पर यहूदी संस्कृति का उदय हुआ, या जुडाइज्म देख रहे हैं, और इनका जो मेन टेक्स्ट है, पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम कह रहे हैं तोरा। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, तोरा। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी को हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है और इसी को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि बाइबल के दो भाग बताए जाते हैं, पहले ओल्ड और दूसरा न्यू, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, पुराना विधान क्या है और नव विधान क्या है। तो यहूदी संस्कृति का उदय हुआ, यहूदी में तोरा आया, तोरा पवित्र ग्रंथ था, और इसी को हम जुडाइज्म कह रहे हैं, यानी यहूदी धर्म कह रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं यहूदियों के उपरांत ईसाइयत की, यानी क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी का विकास आप सब जानते हैं कि फर्स्ट एडी में हुआ, और इसका विकास लगभग 2000 बीसी के आसपास शुरू हुआ। उससे पहले वो कहानी बाइबल में आती है, कहानी आती है कि एक एडम और ईव के संयोग से इस पृथ्वी का उदय हुआ। तो सबसे पहला जो प्राणी माना गया वो माना गया एडम। ये सांस्कृतिक एक विश्वास है, माइथोलॉजिकल बिलीव है। तो इसके उपरांत यहूदियों के उपरांत क्या आया, ईसाइयत आ गया, और ईसाइयत के उपरांत जो दूसरी स्थिति आती है वो आती है इस्लाम की। और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान। करियान से जिसकी उत्पत्ति हुई है शब्दावली की, करियान यानी बार बार उच्चारण करना, रिवेलेशन करना, बार बार उच्चारण करना, किसके नाम का, अल्लाह के नाम का, ईश्वर के नाम का। अब यहां पर सब जगह ईश्वर के जो नाम हैं, इन नामों का रूपांतरण होता हुआ हमको दिखाई देता है। ये क्योंकि एक बात और आती है, ये सभ्यता यहां तक आते आते, ये धार्मिक संस्कृति यहां तक आते आते, क्योंकि इसका उदय यहां से हुआ है, इस जगह से हुआ है, और इससे पीछे करीब करीब 2500 साल का
इस्लाम का उदय क्योंकि कब हुआ है, सातवीं शताब्दी एडी में, सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। इसलिए इस इस्लाम के उदय से लगभग 2500 साल पहले यहूदी धर्म का उदय हुआ है। इसलिए इसकी जड़ें भी यहां यहूदियों में मौजूद है। इसलिए इनके जो नबी हैं, इनके जो पैगंबर हैं, इनके जो सम्मानजनक लोग हैं, उन लोगों का सम्मान हमें कुरान में भी मिलता है। तो इसीलिए ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के कई जगह हमें कॉमन एलिमेंट्स यानी कि ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो यहां पर भी हैं और वहां पर भी हैं। ये मुख्य रूप से इनकी संस्कृति का, इन तीनों धर्मों की संस्कृति का विकास है। और इसी कारण से कहा जाता है कि ये जो मध्य पूर्व है, इस मध्य पूर्व में इन तीनों धर्मों का उत्कर्ष होता है। ये वो चार्ट है जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि आज से लगभग हम लोग 2000 के आसपास हम लोग खड़े हैं, यानी हम लोग हैं 2019 में इस जगह पर हम लोग खड़े हैं आज की डेट में। और हम जाते हैं इससे पीछे, कभी बहुत पीछे, यहां से लेकर यहां तक आए, यानी लगभग 2000 साल पहले, उससे 2000 साल पहले पीछे पहुंचे, तो यहां पर कभी, यानी आज से 4500 साल पहले कभी इस तरह की कथा मिलती है कि एडम नामक व्यक्ति के माध्यम से मानव संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। और इसी परंपरा में यहां पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है, दैट इज अब्राहम। ये अब्राहम की चर्चा हमें सभी जगह मिलेगी, यानी कुरान में भी मिलेगी, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में भी मिलेगी। और इसी परंपरा में बाकी अन्य लोग भी आए, इस्माइल आए, आइजैक आए, जैकब आए, जोसेफ आए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, मोसेस। ये लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास है, जिनके लिए कहा गया मूसा। मूसा, ये वही मूसा है जिनके द्वारा 10 आदेश या 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनना है कि एक तो इन धर्मों का मूल संस्थापक कौन, तो अब्राहम इनका मूल संस्थापक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरी बात, ये जो 10 आदेश है, 10 आदेश किसने जारी किए, ये मोसेस ने या मूसा ने जारी किए। तो इन लोगों ने जिस चीज को डेवलप किया अप टू मोसेस, वो यहूदियों का आधार स्तंभ बना। आप देख रहे हैं मोसेस के उपरांत सॉल आए, डेविड आए, सुलेमान आए, और वन बाय वन इतने सारे लोग आते चले जा रहे हैं। ये यहूदियों के राजा कहे गए, ये यहूदियों के धार्मिक नेता कहे गए। और इस प्रकार से ये जो हम पहली शताब्दी देख रहे हैं, इस पहली शताब्दी